तो कैसे आप लोग देखो भाई, ये है स्मोक बम और इसको हम लोग घर पे बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो भाई बहुत सारे यूट्यूबर इसका यूज करते हैं और इससे कलर बम बनाते हैं, मतलब बहुत सारा बनाते हैं। तो देखो भाई पहले बता दे रहा हूँ, इससे स्मोक बम बन जाएगा लेकिन जो होली में कलर बम आता है वो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि भाई 10 बार नहीं 15 बार से ज़्यादा बार मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ और भाई ये काम नहीं कर रहा है। तो जो लोग इसको मंगवाना चाहते हैं भाई मत मंगवाओ, मेरा यही सजेशन है। चलो तो वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले इतना सारा मैच बॉक्स चाहिए, क्योंकि हम लोग छोटा मोटा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा स्मोक बम बना रहे हैं, तो भाई थोड़ा ज़्यादा मैच बॉक्स चाहिए। उसके बाद भाई देखो तुम्हारे पास कोई भी ग्लास हो तुमको ले लेना है, और उसको क्या करना है, उसको एक मतलब कि ग्रीन कलर या कोई भी कलर से कवर कर देना है, जिससे मतलब देखने में उसका लुक जो है वो अच्छा लगे। और उसके बाद उसके ऊपर वाला एक कवर बना लेना है। तो देखो भाई मैंने मैच बॉक्स सारा लिया और उसी को टेप से गोल कर दिया है, मतलब कि थोड़ा सा आसानी से मतलब स्मोक थोड़ा ज़्यादा बन सके इसलिए। और भाई मैंने इसको इसलिए लिया है कि थोड़ा सा मतलब कि जो अंदर तक जो है ना, मतलब कि जो भी माचिस जो ऊपर से जले वो अंदर तक जाए, इसलिए मैंने इसका यूज किया है। और भाई कुछ टुकड़ों का यूज कर लिया है, क्योंकि भाई थोड़ा सा मतलब ये रहना ज़रूरी है, क्योंकि इससे थोड़ा ज़्यादा स्मोक पैदा होगा। क्योंकि मैं चाहता तो जो नीचे वाला था मैं भी वैसे ही एक और ऊपर लगा देता, लेकिन भाई जो नीचे वाला है वो नहीं जल पाता, इसलिए मैंने इस टुकड़े का यूज किया है। और भाई देख सकते हो ये जो मैच बॉक्स है इसके ऊपर वाला को काट लेना है, क्योंकि इसी से हम लोग को आग जलाना है। और देखो ये है, ये रिंग का मतलब कि जो चाबी का रिंग आता है वो मिल जाएगा, उसके ऊपर वो जो मैच बॉक्स है उसको लगा देना है। और उसके बाद क्या करना है कि ये जो गोल वाला है इसके अंदर लगा देना है, और नीचे मतलब नीचे माचिस का जो तिल्ली होता है उसको लगा देना है। देखो सब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है जो दिख रहा है, बाकी सब तुम बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा स्मोक बम बना सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर इसको तुम अच्छे से सीख गया ना भाई, कैसा भी स्मोक पम तुम आराम से बना लोगे। तो देखो कभी भी नीचे हाथ रख के ऊपर मतलब कि जो धागा है मतलब लपेटना है, क्योंकि टाइट नहीं हो पाता। ध्यान से देखो मैंने कहाँ लगाया है, अपना हाथ कहाँ पकड़ा है, एकदम जहाँ पकड़ा वहीं पे पकड़ के और टाइट कसोगे तो भाई वो हो जाएगा। देखो भाई घींच के देख लेना कि मतलब लूज तो नहीं ना है, तभी नहीं तो फिर बाद में काम नहीं करेगा। उसके बाद क्या करते हैं भाई, चलो इसको ऊपर से लगा देते हैं। उसके बाद ग्लू गन से इसको हम लोग चिपका देंगे।